लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण को लेकर अगस्त क्रांति दिवस पर होने वाले मशाल मोर्चा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समन्वय समिति ने नवी मुंबई के उन सभी गाँव और इलाकों में मशाल पहुँचा दिया है जहाँ जहाँ प्रकल्प ग्रस्त मार्च निकालने वाले हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह इस सांकेतिक आंदोलन के लिए प्रकल्पग्रस्त एकजुट हुए हैं उससे सरकार और सिडको की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। आज से 75 साल पहले देश को आज़ादी दिलाने के लिए देशभक्तों ने अंग्रेजों चले जाओ का नारा दिया था। आज यही नारा सिडको और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गूंजने लगा है। अगस्त क्रांति दिवस पर नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के प्रकल्पग्रस्त इस नारे को बुलंद करते हुए मशाल मार्च निकालने वाले हैं। मांग है कि 15 अगस्त से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम दे दिया जाए। इसके लिए नवी मुंबई के सभी गांव और इलाकों में मशाल भेजे जा चुके हैं। प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार सिडको के जरिए अंग्रेजों जैसा हुकुमशाही चला रही है और प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं की अवहेलना कर रही है जो अपना स्थानीय लोकाधिकार और पहचान का हक मांग रहे हैं। एयरपोर्ट पर सिर्फ अपने मसीहा का नामकरण मांग रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे नकारने वाली हुकुमशाही नहीं चलेगी, इसलिए यह मशाल मार्च निकालकर हम सरकार को जगाना चाहते हैं। देशातला भूमिपुत्र जागृत होते, वाशी गाव तो आहे, या चारी जिल्ह्यातली गाव सुद्धा त्याच्या ताकदीने, शहरातला नागरिक सुद्धा जागृत झालेला आहे की जर ह्या भूमिपुत्रांचा अस्तित्वाची ओळख त्या ठिकाणी दिली नाही की केली नाही की झाली नाही तर ह्या देशातील जो भूमिपुत्र आहे त्याचं तर होणार नाही। आणि म्हणून ही हा जो संघर्ष आहे, ही जी चळवळ आहे, ही जी लढाई आहे, याची जी जनजागृती, हा देशातील भूमिपुत्र आता जागृत होतो आणि सहभागी होतो। आम्ही एकमेकांचे भाऊ आहोत, आम्ही आता बांधव आहोत का दोघांचे प्रश्न सारखा आता आणि दोघांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।